बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आज हम मिलाएंगे काली मिर्च का खीमा, जो नाश्ते में रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत इजी है। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने खीमा लिया है, 500 से 600 ग्राम है ये खीमा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लें, और इधर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे मैंने भूनना स्टार्ट किया है, अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन के कलर में लाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब स्टेज पे हमें खीमे को ऐड करना है। इसमें मैंने इसे अच्छे से धो के पानी पूरा इसका ड्रेन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खीमा और प्याज अच्छे से मिक्स हो गई है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, और 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डालें यहाँ पे। अब इसे साथ में अच्छे से मिक्स कर लें। लाल मिर्च का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये काली मिर्च का खीमा है तो लाल मिर्च हम थोड़ी भी नहीं यूज़ करेंगे इसमें। अब ये मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़े के तीखेपन के लिए हमें इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च, साथ में इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अब हम इसे अच्छे भी मिक्स करते हैं। इसके साथ अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब दही। दही भी अच्छा टेस्ट देगा हमारे काली मिर्च के खीमे को। अब यहाँ से आप देख सकते हैं साइड से तेल आने लगा है। इसे भूनते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हुए हैं। उसके बाद जब तेल आने लगे तब हमें इसमें गरम मसाला ऐड करना है 1 चम्मच भर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन खीमा हो गया है यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे कोथमीर डाली है फ्रेश। खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। नाश्ते में आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मैंने इसे 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे इसे बनाते हुए। अब हम इसे करेंगे गार्निश। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती हैं। तो इन्जॉय करिए काली मिर्च का खीमा। टेक केयर।